तो लॉन्ग ड्राइव का आइडिया तो ऑसम है, आपके पास कार भी है, लेकिन जाए कहाँ? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है तो चलिए आपको आंसर दे देते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। तो फाइनली आपने अपनी फेवरेट कार खरीद ली है और उसको ज्यादा टाइम हो गया कि आप उसको लेके अपनी कार ड्राइव करके कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए। क्यों? क्योंकि आपको एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क परेशान कर रहा है कि कार लेके जाना है लेकिन जाए कहाँ, है ना? तो आज इसी क्वेश्चन मार्क को हम हटा देंगे। मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ बेहतरीन ऑप्शंस कि आप अपनी कार्स को लेके ड्राइव करने जा सकते हैं लॉन्ग ड्राइव पे इंडिया के कुछ बेहतरीन रोड्स पे। ये ट्रैवल वीडियो है दोस्तों, और यूजुअली हम ट्रैवल वीडियोस करते हैं मंडे को। तो अगर आपको कोई भी ट्रैवल वीडियो मिस नहीं करना है तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो एक बार प्रेस कर दीजिए और अपने ट्रैवल के डिजायर को फुलफिल करिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ दो कैटेगरीज की कॉम्बिनेशन, यानी कि ट्रैवल और ऑटोमोबाइल, जो दोनों ही मेरे चैनल में दो कैटेगरीज है। वो दोनों कैटेगरीज का थोड़ा बहुत मिक्सअप किया है और किसी और तरह से मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा है। तो चलिए मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा और डायरेक्टली चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर वन पे। दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर वन में जो मैंने रोड लिया है वो है बॉम्बे टू गोवा। यस दोस्तों, इस रोड की इंट्रोडक्शन के लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सभी जानते हैं कि NH-17 यानी बॉम्बे टू गोवा का जो रोड है वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना अट्रैक्टिव है, और ड्राइविंग वहाँ पे अगर हम करेंगे तो वो कितना फन टू ड्राइव है ना। 604 किलोमीटर्स का रोड, पूरा रोड पिक्चरेस्क्यू है, और आप कहीं भी रुक के अपनी जो फोटोग्राफी का ऑन रोड डिजायर है, यानी ऑन रोड फोटोग्राफी का डिजायर है, वो आप फुलफिल कर सकते हैं। कहीं पे भी रुक के आप कहीं भी अपनी फोटो क्लिक कर दे, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्यूटीफुल ही आएगा क्योंकि पूरा रोड ब्यूटीफुल है। बहुत सारे मूवीज भी यहाँ पे शूट हुए हैं, और अगर वो मूवीज के डायरेक्टर्स को ये रोड अगर अच्छा लगता रहा है तो नेचुरली हम सबको तो अच्छा लगेगा ही, है ना। और विदाउट एनी हेजिटेशन रास्ते में बीच बीच में फूड के जो ऑप्शंस है, फूड जोन्स है, वो तो आते ही रहते हैं, और अपनी जो फूड की जो क्रेविंग्स है उसको वो फुलफिल करते रहते हैं। दोस्तों रूट नंबर टू जो मैंने सिलेक्ट किया है वो बहुत ही सोच समझ कर सिलेक्ट किया है, क्योंकि हर एक रूट में मैंने ये ध्यान रखा है कि एक रूट है वो दूसरे रूट से सब तरह से अलग हो, और यही ध्यान रख के, यही चीज ध्यान में रख के ये रोड ऑप्शन जो आपको दिया है वो है जयपुर टू रणथंभौर राजस्थान स्टेट हाईवे रोड नंबर 24। आपको पिंक सिटी जयपुर से डायरेक्टली रणथंभौर लेके जाएगा, और बीच में बसी और सलोद जैसे ब्यूटीफुल टाउन्स आते रहेंगे, और इसी टाउन्स में आपको झलक दिखने मिलेगी अपने ट्रेडिशनल राजस्थानी कल्चर की, ट्रेडिशनल राजस्थानी एटमोस्फियर की। और ऑन द वे अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तभी आप लॉन्ग ड्राइव में निकलेंगे, यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो इस 145 की जर्नी में अगर आपको लेना है एक छोटा सा ब्रेक और एक अलग जगह देखनी है तो आप बसी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की विजिट कर सकते हैं। अपनी इस लिस्ट में मैंने आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया है, यानी कि रोड नंबर 3 है, वो है अहमदाबाद टू वाइट रन ऑफ कच्छ। यस दोस्तों, वाइट रन ऑफ कच्छ आप सभी जानते हैं, लेकिन ट्रैवल किया है नहीं किया है, बाय कार गए नहीं गए, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जर्नी है वो पूरी तरह से अलग तरह की जर्नी रहेगी। आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो पूरी तरह से अलग रहेगा। अहमदाबाद के परेशान कर देने वाले ट्रैफिक में से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे और थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको नजराना मिलना चालू हो जाएगा, कच्छ के ट्रेडिशन की झलक जो है वो आपको दिखनी चालू हो जाएगी।
381 किलोमीटर की ये जर्नी है, उसमें निरोना, नखत्राना और होड़को जैसे छोटे विलेजेस से होते हुए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगा एक ट्रेडिशनल कच्छ वाला कल्चर, और धीरे धीरे आप अपने व्हाइट रन ऑफ कच्छ की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही आप व्हाइट रन ऑफ कच्छ तक पहुंचेंगे, आप मुझे याद करेंगे कि ये ट्रिप, ये रोड जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, वो कितना अल्टीमेट है, कितना अमेजिंग है। और अगर ये आपने एक्सप्लोर नहीं किया है तो आई सजेस्ट ये नंबर वन पे रखिए, और आप अगर गुजरात से बिलोंग करते हैं तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। यहाँ की जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है उसके बारे में आप जानते ही हैं, और व्हाइट रन ऑफ कच्छ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बड़ी बड़ी चैनल्स भी अपने आप को नहीं रोक सकती है। तो ये इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है जो अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया तो आप प्लानिंग कीजिए और एक्सप्लोर करने निकल जाइए। दोस्तों, इस लिस्ट में मेरे पास अगला ऑप्शन जो आपके लिए मैं लाया हूँ वो है गोल्डन ट्रायंगल। आपने ये ट्रैवल भी किया होगा, देखा भी होगा, जयपुर आगरा दिल्ली, यस, या तो दिल्ली आगरा जयपुर, ये आपने ट्रैवल भी किया होगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही रूट पे अगर हम बाय कार जाए, सेल्फ ड्राइव करके जाए, तो ये एक्सपीरियंस अपना जो है वो कैसा रहेगा? अगर आपने ये नहीं सोचा है तो सोचिए दोस्तों, क्योंकि यमुना हाईवे एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हाईवे टू ड्राइव अ कार ऐसा माना जाता है, जो अपनी राजधानी दिल्ली से स्टार्ट होता है, आपको पहुंचाएगा आगरा, और आपको मालूम ही है आगरा में क्या देखना है और क्या मिस नहीं करना है। अगर नहीं मालूम है तो मैं हूं ना आपको बता देता हूँ। आगरा में पूरा दिन आप घूम सकते हैं, और ताजमहल, यस, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी जैसी अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस की विजिट करके आप ओवरनाइट आगरा में स्टे कर दीजिए, और हो सके उतना अर्ली मॉर्निंग आप निकल जाइए अपने आगरे से जयपुर के रास्ते पे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ओवरनाइट स्टे के लिए आपको इसलिए बोला है क्योंकि ये जर्नी जो है वो टोटल जर्नी अराउंड 800 किलोमीटर की हो जाएगी, तो ना चाहते हुए भी आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा। और आपकी जो जर्नी है उसको वंडरफुल बनाने के लिए, उसको प्लेजेंट बनाने के लिए रेस्ट इज दी फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको आप इम्पोर्टेंट दे सकते हैं। और दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही आप आगरा से जयपुर के लिए निकलेंगे तो एक चीज नोट कर दीजिए, ऑन दी वे भरतपुर में कोयला डियो सेंचुरी, कोयला डियो नेशनल पार्क है जहाँ पे वर्ल्ड के कुछ बेस्ट एक्वेटिक बर्ड्स आते हैं, वो बर्ड्स आपको और कहीं देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो ये एक ब्यूटीफुल नज़ारा है जो आपको अर्ली मॉर्निंग में दिखने मिल जाए तो आप बहुत ही लकी है, तो ये मत मिस कीजिएगा। और भरतपुर की विजिट करते हुए आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे जयपुर, यस, द पिंक सिटी जयपुर। दोस्तों, इस लिस्ट में जैसे मैंने आपको बताया, सभी रोड्स, सभी डेस्टिनेशन, सभी रोड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और ऐसा ही एक अलग सा रोड अपना जो अगला ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है मनाली टू लेह, लेह लद्दाख। आपने नाम भी सुना होगा, शायद से आप ट्रैवल भी कर पाए होंगे, लेकिन बाई कार और सेल्फ ड्राइव करते हुए जाने का जो एक्सपीरियंस है, खास करके इस रोड से, आप अमेज हो जाएंगे ये रोड की ब्यूटी देखते हुए, इस रोड का एडवेंचर देखते हुए, इस रोड के वेदर को देखते हुए। दोस्तों, ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है, अगर आप करेंगे तो वापस जाएंगे, आप रिपीट करेंगे, मुझे मालूम है। इतना ब्यूटीफुल रोड है ये, इतना ही अट्रैक्टिव रोड है, और इतना ही केयरफुल रोड है। यहाँ पे ड्राइविंग बहुत ही केयरफुली करनी पड़ती है, तो अगर आप एक प्रो ड्राइवर नहीं है तो ये ऑप्शन अपने लिस्ट में से निकाल दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी, ड्राइविंग की एक्सपर्टाइज बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं किया है तो मैं आपको वार्न करता हूँ दोस्तों, ये रोड आपके लिए नहीं है। बाकी सारे रोड जो है वहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हैं अगर आपको ठीक ठाक गाड़ी चलानी आती है, लेकिन ये रोड अपने लिस्ट में से निकाल दीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये रोड के बारे में थोड़ी डिटेल्स की। तो ये जो लेह का डेस्टिनेशन है,
वहाँ के पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक तो है श्रीनगर से ले और एक है मनाली से ले। तो हम जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं वो है मनाली से ले, और यही द मोस्ट अट्रैक्टिव वे टू रीच ले। आप मनाली से जाएंगे 464 किलोमीटर की ये जर्नी है, लेकिन 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 एक चीज नोट कर दीजिए, यहाँ पे 350 किलोमीटर की जर्नी में, यानी कि 464 किलोमीटर में से अपने 350 किलोमीटर की जर्नी में कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है, कोई आपको दिखने नहीं मिलेगा। ये एक रोमांचक एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए, और उसके साथ साथ एक डिफरेंट थिंग टू कंसिडर बिफोर प्लानिंग टू गो एट ले, वो क्या है, अपनी जो टैंक्स है वो फुल कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 365 किलोमीटर तक कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है। यस दोस्तों, ये जो रोड है इसका सबसे बड़े अट्रैक्शन ही ये दो ही है। पूरा रोड एकदम फ्री है, कोई ट्रैफिक की झंझट नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है, और पेट्रोल पंप्स भी नहीं है। तो अपनी जो टैंक्स है वो फुल करके जाइए, अपनी जो मोस्ट यूजफुल आइटम्स है जिसके लिए मैं आपको लास्ट में टिप्स देने वाला हूँ, वो आइटम्स अपने साथ रख के जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे आप अकेले होंगे। हाँ, थोड़ी बहुत कार्स होगी, थोड़े बहुत ट्रक्स भी रहेंगे, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, राइट। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि ये रोड पे थोड़ा केयरफुल होने की रिक्वायरमेंट है, और मैं आपको इसी रिक्वायरमेंट्स के बारे में टिप्स देने वाला हूँ। वो टिप्स कुछ इस तरह से रहेगी कि वो सारे रोड्स पे आपको इफेक्टिव रहेगी, और सारे रोड्स पे वो टिप को आप यूज कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट, वो टिप कौन सी है, वो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। दोस्तों, मुझे मालूम है ये बहुत ही कॉमन सी टिप है, लेकिन फिर भी आप सेल्फ ड्राइव करके कहीं पे ड्राइव करने जा रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं अपनी कार लेके ड्राइव करने में, तो कुछ चीजें जो है उसका प्रिकॉशन लेना जरूरी बनता है। सबसे ज्यादा प्रिकॉशन कौन सी चीज का रखना है दोस्तों, अगर आप केयर करते हैं अपनी कार को मेंटेन करने में, और अपनी कार को रेगुलर बेसिस पे आप मेंटेन करवाते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम से आपकी कार नॉन यूज में पड़ी है तो आई पर्सनली सजेस्ट कि कोई भी बड़ी जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप अपने नियरेस्ट ऑथोराइज वर्कशॉप जो रहते हैं वहाँ पे जाइए, और उनको बताइए कि 500-600 किलोमीटर की ड्राइव में ये कार हम लेके जाने वाले हैं, तो उस तरह से मुझे जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी कार के अंदर मुझे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, अपनी ब्रेक्स है, अपने जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो आप ठीक करवा के जाइए, जिससे आप या अपना फैमिली कोई परेशानी में ना आ पाए। दोस्तों, टिप नंबर टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। जैसे मैंने आगरा वाले रास्ते में बोला, गोल्डन ट्राइंगल के रास्ते में मैंने आपको बोला, वैसी ही अपनी बॉडी को 100% रिलैक्स्ड रखे, एक दो दिन पूरा रेस्ट लीजिए, और अपनी जो आने वाली चैलेंज है उसके लिए अपने बॉडी को 100% रेडी कर दीजिए। और ये करने से आपको दो बेनिफिट होंगे, एक तो आप मेंटली भी फ्रेश होंगे, और अपने फिजिकली आप अपने बॉडी के पास से पूरा जो है वो एफर्ट ले पाएंगे, और 100% आप अपना जो ट्रिप है उसको आप एंजॉय करेंगे, है ना इंपॉर्टेंट टिप। यस दोस्तों, दो चीज सबसे खास तरह से, अगर आप दो पेयर क्लोथ्स की भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अपना शैम्पू या टूथब्रश भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट एड किट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव विद यू, आप कभी मत भूलिए फर्स्ट एड किट और इमरजेंसी किट। ये दो चीजें आपको कितना काम आ सकती है, कोई भी चाही अनचाही प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ये अपनी फर्स्ट एड किट और इमरजेंसी किट दोनों ही उस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए एट द टाइम ऑफ पैकिंग, जब भी आप पैक करें तो फर्स्ट एड किट और इमरजेंसी किट दोनों ही अपनी बैग में फर्स्ट डालें, उसके बाद सारी चीजें डालें। दोस्तों, दूसरी चीज मैंने बहुत ही बार नोटिस किया है, खास करके लेडीज के लिए, वो इतना सारा सामान अपने घर से लेके जाते हैं,
कि बाहर से फिर अगर आपको शॉपिंग करना है, कुछ चीजें आपको ऐड करनी है अपनी ट्रिप में, उसके लिए स्पेस नहीं रहती है। अपनी जो गाड़ी है, गाड़ी की लिमिटेड स्पेस रहेगी। अगर आप 4 या 5 लोग के फैमिली है तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड बूट स्पेस रहेगी। उसी बूट स्पेस में 4-5 लाख का सामान उसमें रहेगा। और अगर अब आप अपनी जो ट्रिप है उसमें से कुछ बड़ी चीज को शॉपिंग करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ चीज अच्छी लग गई और उसको आप लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग सफिशिएंट स्पेस आपको वो चीज कैंसिल करनी पड़ेगी। तो ये आप नहीं चाहेंगे, राइट? तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिक्वायर्ड सामान है, जितना भी सामान आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे लेके जाना। वो प्लानिंग करके बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करें, इतना ही सामान ले ताकि आप अपनी जर्नी के थ्रू कोई भी चीजें लेना चाहे तो वो आप आराम से, विदाउट हेजिटेटिंग अबाउट द स्पेस इन योर कार, आप आराम से ले सकते हैं दोस्तों। यस, पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, अपनी जो पावर बैंक्स है उसको आप भूले बिना ना भूले। यानी कि आप अपनी पावर बैंक्स, जो भी है पावर है, एक्स्ट्रा बैटरीज है, अपने कैमरेज की एक्स्ट्रा बैटरी है, अपने सेलफोन्स की एक्स्ट्रा बैटरी है, और पावर बैंक्स जो है वो अपने साथ रखें दोस्तों, क्योंकि आप नहीं चाहते कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी या तो आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत जब भी होगी तभी उस चीज में पावर ना हो और आपको उसको चार्ज करने बैठना पड़े एट ए टाइम, ये आप नहीं चाहेंगे, राइट? तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपका बैटरी है, ऑप्शनल बैटरीज जो है अपने कैमरे के लिए, अपने सेलफोन के लिए, और चार्जर्स है और पावर बैंक्स है, वो सभी चीजें आप अपने साथ लेके चलिए और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स में ना आ पाए। तो दोस्तों मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपने ये वीडियो देखा है, आपको कोई भी एक ट्रैक दिमाग में बैठा है, आपको ऐसा लगा है कि नहीं यार ये ट्रैक मेरे लिए अच्छा है, तो दोस्तों सोचिए मत, बस प्लानिंग करिए, अपनी लीव्स लीजिए और निकल पड़िए एक अल्टीमेट जर्नी में। अगर आप मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आप सही तरह से फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस है तो आप विदाउट हेजिटेटिंग मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा क्वेश्चन है, और मैं उस क्वेश्चन में किस तरह से आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों यही था आज के लिए मेरा वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपके लिए ऐसे ही अल्टीमेट अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा, आपको ट्रिप्स की टिप्स और ट्रिक्स देता रहूंगा। तो ऐसे ही वीडियोस को मिस ना करने के लिए आप बस एक ही चीज करिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं 100% उसका आंसर दूंगा और वो भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर दूंगा। यस, और अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस एक छोटा सा लाइक बटन दे दीजिए, मेरा काम बन गया। तो दोस्तों मैं वेट कर रहा हूं, सब्सक्राइब करिए, और टिल देन मेरे नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे, और टिल देन लिव इनक्रेडिबल। थैंक यू। Incredible Infos.